क्या हाल चाल। मैं अमृत राज आप सभी का स्वागत करता हूं। और गाइस क्या हाल है भाई, मजा आता है यार, मजा आता है। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। आपने टॉपिक देखा, मेंस का एग्जाम है, 15 दिन है आपके पास, 14 दिन है, 8 तारीख को एग्जाम है मेरे भाई। अरे 10 दिन का है नहीं हो, आपने जितना पढ़ना था अभी पढ़ लिया है। अब मेरी बात सुनो कि आप लास्ट 12 से 13 दिन क्या करो मेरे भाई, जेन्युइन बात करेंगे। आपको गलत लगेगा, आप कमेंट है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको। जेन्युइन मैं बात करता हूँ। मेरे मेंस 2019 में मैथ में 140 नंबर आए थे, 73 में से 70 सही, 3 गलत था। 2020 में मेरे मेंस में 94 अटैम्प्ट किया था मैंने, 91 सही था मेरे दोस्त और 3 गलत था, 180.5 आए। हम कोई बहुत ही ज़्यादा तेज स्टूडेंट नहीं है, आप लोग जितने भी सीनियर लोग जिनका 21 का मेंस है हमसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, प्लीज़ मेरी बातों को अदर वे में मत लीजिएगा कि मैं इतना ही मार्क्स से बहुत ज़्यादा ये कर रहा हूँ, हल्ला कर रहा हूँ, कैसे कुछ ऐसा मत लीजिएगा। मैं बात करूँगा 130 से 140 वालों के लिए। आज जिनका भी स्कोर आ रहा है ना, मैं उनको लेकर के कंसर्न हूँ, दिल से कंसर्न हूँ। मैं सो रहा था लेकिन हमको रहा नहीं गया, हमको लग रहा वक्त कम है, इन लोगों की मैं हेल्प करूँगा। और क्यों नहीं करूँ भाई, क्यों नहीं करूँ, आई एम जेन्युइन ना, यहाँ से दिल से गाइड करने की क्षमता रखता हूँ। मेरे दोस्त जितने भी लोगों का 130 से 140 आ रहा है, मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, आप जो भी हो, आई डोंट नो, बट एक बात मेरी सुनना, ठीक है ना। अब अभी हम जेन्युइन बात करने वाले हैं। आपने पेपर उठाया ना होगा जब, तो आप देखो 2018 का मेंस देखो, 2019 का मेंस देखो, 2020 का मेंस देखो मेरे भाई। आप नहीं बोलोगे कि एसएससी हर एक बार नया नया क्वेश्चन डाल रहा है मेरे भाई, नहीं बोलोगे आप। आप 100 क्वेश्चन में से एक आध दो क्वेश्चन नया आ गया कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेंड देखो आप एसएससी का मेरे दोस्त, आपके 130 से 40 आ रहे हैं। अभी आपके पास ले जाने को एग्जाम में है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के अलावा भी बता रहा हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए 10 से 12 दिनों में। अभी मैं जेन्युइनली बात करूँगा आपसे मेरे भाई, सुनो ध्यान से। मेरा 180.5 क्यों आया, कोई टफ सेट हम आज तक बनाए ही नहीं है, टफ शीट बोल लो, अपना नॉर्मल प्रीवियस ईयर पर अड़िग रहे हैं हम। आज भी हमको दोगे, आज भी मेरा मेंस है, 5, 6, 7 तारीख को हम तैयारी करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे हम। अभी मेरा 2020 वाला वो कोई कंप्यूटर का एग्जाम होता है उसको मैं दूंगा, अभी उसका तैयारी करूंगा, 3 दिन में तैयारी करूंगा, जितना आना होगा आएगा। अभी हम 20 वाले को मैं सिक्योर कर लेना चाहता हूं। सुनो मेरे भाई, प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहा है जब एसएससी, आप 2018 का मेंस उठा करके देखोगे, 2019 का देखोगे, 2020 का देखोगे, ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। मैं 2020 वाला दे रहा था ना मेरे दोस्त, तो हमको लग रहा था ये एसएससी क्या मजाक किया, लग रहा है कि 13 सितंबर 2018 वाला पेपर बना रहे हैं। हमको लग रहा है कि जा पेपर, मेरा प्री में नंबर कम था, मेंस में टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर मजाक कर दिया, 13 सितंबर वाला पेपर लग रहा है उठा के डाल दिया था, ऐसा हमको फील आ रहा था। तो एसएससी आपसे, आप लोग एग्जाम में बैठोगे सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ट्रेंड पे आपसे पूछेगा, कौन जीतेगा। आप भी क्वेश्चन बनाना जानते हो, हम भी क्वेश्चन बनाना जानते हैं, कंसेप्ट आपको भी आता है, कंसेप्ट हमको भी आता है। 2019 वाले मेंस में हमको 100 का 100 क्वेश्चन बनाने का दमखम रखते थे, एक हूं नहीं मेरा छूटता, काहे 73 को अटेम्प्ट हुआ मेरे दोस्त, कैलकुलेशन। आप लोग कितना भी पढ़ लो, आप लोग कितना भी तेज हो, आप लोग आसमान में आपका वो है पूरा कॉन्सेप्ट, और कैलकुलेशन स्पीड 0 है, कैसे मैनेज करोगे। चिल्ला नहीं रहे मेरे बड़े भाई और मेरे छोटे भाई, आप लोग का एग्जाम है, आप लोग बहुत दिल से मेहनत किए हो, आप लोग जान लगा करके पढ़े हो, कैलकुलेशन को इग्नोर मत करना, बिकॉज एसएससी हर एक बार मेरे दोस्त कैलकुलेशन इन्हांस कर रहा है, कैलकुलेशन वो हर एक बार लेवल बढ़ाया जा रहा है। आप लोग यही तो नहीं देख रहे हो कि खाली कंसेप्ट पढ़ ले रहे हैं, एग्जाम में जाते हैं बोलते हैं क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अभी 14 दिन है, जान लगाओ कैलकुलेशन में, जितना देर में कंसेप्ट आप करोगे या कैलकुलेशन भी रहेगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा कंसेप्ट देर ही से समझ में आया, कैलकुलेशन उड़ा देंगे। समझ रहे हो मेरे दोस्त मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे भाई आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अभी आप क्या करो, केवल प्रीवियस ईयर का मॉक लगाओ और डेली 1 घंटे 1.5 घंटे कैलकुलेशन करो, जितना ज्यादा कर सकते हो मेरे भाई करो। जो मेरे से ज्यादा नंबर लाते मैं उनको नहीं सिखा रहा हूं कुछ, उनको मेरा कोई हक नहीं है ज्ञान देने का। जो 130 और 40 ला रहे हैं उनको मैं एक मतलब गाइड कर सकता हूं, उतना मेरे अंदर क्षमता है। बड़े भाइयों छोटे भाइयों दिल से माफी मांगता हूं, मैं थोड़ा चिल्ला रहा हूं, तो बुरा हमको दिल से चिल्लाते हैं यार। सुनो मेरे भाई, कैलकुलेशन करोगे मेरे दोस्त, 14 तारीख 14 12 14 दिन है, जान लगाओ कैलकुलेशन में।
इतना जोड़ घटाओ गुना भागा इतना ज्यादा करो, अपने मन से इतना ज्यादा करो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए समझ में। पैटर्न तो तुमको पता होगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, तुमको पता है कैसे बनता है, हमको भी पता है कैसे बनता है, ऑल अबाउट कैलकुलेशन। और अभी 14 दिन है ना, अब क्या मॉक लगाओगे, क्या लाइव मॉक अब लगा रहे हो मेरे दोस्त? 2017 वाला मेंस बना लो, 2018 वाला बना लो, 2019-20 ये सब बना लो। 2018 में 3 मॉक है, एक दिन में 2-2 मैथ का लगा सकते हो आप, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों के अंदर एनर्जी है। 2-2 ठीक है, 2-2 मानते हैं कि इंग्लिश भी मैनेज करना है, चलो अभी इंग्लिश की बात हम नहीं करते हैं। मैथ में एक ही लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो और कैलकुलेशन को जबरदस्त करो। जो जो वीक चैप्टर है आपका, सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा थोड़ा फंस रहा है, एक ही बार उठा 100 क्वेश्चन लगा डालो। एग्जाम आता है तो नींद नहीं आता है, आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको नींद नहीं आ रहा होगा अभी, बस बेचैन हो गए कि 140 से कैसे बढ़ाएं। एक ही तरीका है मेरे भाई, कैलकुलेशन। दूसरा तरीका ये है कि आपका कोई भी अगर चैप्टर वीक है, अभी उसको बनाओ, 100-100 क्वेश्चन लगाओ, स्ट्रॉन्ग करो जल्दी से। और एक और इसके साथ क्या करना है, 18, 19, 20 वाला मेंस का पेपर अच्छे से क्लियर कर लो। और इसके अलावे और आप लोग क्या कर सकते हो कि जितना भी जहां पर भी आपको सेक्शनल दिख रहा है, 20 मिनट 25 क्वेश्चन, एक दिन में 2 लगाओ 3 लगाओ 4 लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ। एग्जाम आता है तो हम यही करते हैं, सेक्शनल 20 मिनट 25 क्वेश्चन, आपको एग्जाम में वो हेल्प करता है, आपका आदत रहता है, आप डिमोटिवेट फील करते हो ना मेरे भाई, तो आपको बूस्ट आता है, अरे 20 मिनट 25 क्वेश्चन का औकात है मेरा यार, अभी भी 20 मिनट बचा है, मैं बना सकता हूँ। 20 मिनट 25 क्वेश्चन सेक्शनल अगर आप हमको लगाने से क्या फायदा हुआ कि हम स्किपिंग आर्ट सीख गए थे। 20 मिनट 25 क्वेश्चन दिमाग में यही चलेगा मेरे भाई कि कौन क्वेश्चन पहले बनाना है और कौन छोड़ना है, कौन बनाना है कौन छोड़ना है, 20 मिनट 25 क्वेश्चन ये आपको सिखाता है। अब कहोगे कहाँ से मिलेगा, अरे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे जाओ, 1 घंटा वाला जो मॉक है ना 20 मिनट सेव कर लो कि मैथ में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे। आपका दिमाग खुल जाएगा जब आप लोग सबमिट करोगे ना, देखोगे 20 मिनट में 10 क्वेश्चन बना है, तो आपका दिमाग खुद बोलेगा अरे यार इस क्वेश्चन में नहीं फंसे होते ना तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ हो जाता, ये क्वेश्चन में नहीं फंसे तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ हो जाता। समझ लो मैं मतलब बहुत डीप बात कर रहा हूँ मेरे भाई, कैलकुलेशन और ये 20 मिनट 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। कभी डिमोटिवेटेड फील मत करना, एग्जाम में बैठोगे तो एकदम कॉन्फिडेंट रहना एकदम। कुल मिला के सार ये है, मैं वीडियो को कंक्लूड कर दे रहा हूँ। मेंस वालों तुमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन किया है। कुल मिला के पॉइंट ये है कि आप प्रीवियस ईयर अभी बनाओ, जितना भी मॉक है 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार खत्म कर सकते हो खत्म करो। पॉइंट पे एकदम आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। कैलकुलेशन इतना फास्ट कर लेना मेरे दोस्त कि सामने वाला अभी सोच रहा है तुम कैलकुलेशन उड़ा दिए। कैलकुलेशन का लेवल एकदम अभी से बढ़ा लो, 14-15 दिन काफ़ी होता है कैलकुलेशन के लिए। अपने वीक चैप्टर पे काम करना मेरे भाई, सबका वीक पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे तुम आपका ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, मेरा टाइम एंड डिस्टेंस हो सकता है, आप देखो कि आपका वीक पॉइंट क्या है, क्वेश्चन लगा डालो। स्किपिंग आर्ट अगर नहीं करोगे तुमने भाई मेरे, अगर तुमने बहुत ज़्यादा आपने प्रिपरेशन कर रखा और स्किपिंग आर्ट भी नहीं है तो क्या कर लोगे फिर आप? आप कभी भी नोटिस करना जब घर पे मॉक लगाते हो ना, कोशिश करना कि 1 मिनट में तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हो पहले 1 घंटे में उतना ज़्यादा बना लो। पहला 1 घंटा सोच लो कि हमको ग्रैब करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन क्वेश्चन, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है पढ़ो, जल्दी से पढ़ लो, लगे बन जाएगा उसी वक्त बना के खत्म करो, लगे नहीं बनेगा बाद में ये बन सकता है हमसे टैग करके भाग जाओ। जो क्वेश्चन देख के कंप्लीट लग रहा है तो नहीं होगा उसको छोड़ दो, 1 राउंड पूरा घूम लेना 1 घंटे में। 1 घंटे में आप जब स्किप करके बनाओगे मेरे भाई तो आप आराम से 50 से 60 क्वेश्चन बना लोगे। और उसके बाद आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो आपका माइंड खुद ही अब बोल देगा बेटा तू अब रिलैक्स हो जा, तू अब ऑलरेडी अब तुम अब एक पॉइंट पे आ चुके हो, समझ रहे हो? तो वो जैसे ही आपका माइंड वो सोच लेगा उसके बाद थोड़ा टफ टफ भी क्वेश्चन होगा आप डील कर लोगे मेरे भाई। घर पे मॉक लगाते होगे ना, लगाते हो मेरे भाई जब, तो तुमने खुद देखा होगा कि जैसे ही 1 घंटे में तुम 50 से 60 क्वेश्चन बना लेते हो तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आसमान में रहता है। जो क्वेश्चन टफ भी होता है वो भी आप डील कर लेते हो मेरे भाई। स्किपिंग आर्ट इज वेरी नेसेसरी, यू विल हैव टू चूज वाइजली विच क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व और विच क्वेश्चन यू विल हैव टू स्किप और विच क्वेश्चन यू विल हैव टू टैग, समझ रहे हो दोस्त? मेंस है 14 दिनों में, गर्दा का बारो, एकदम गर्दा का बारो, लगाओ जितना सेक्शनल 20 मिनट 25 क्वेश्चन का लगा सकते हो और 2 घंटा का मॉक अलग से लगाओ। और ये कॉपी उठाओ, जितना भी नोट्स लिखे हो ऐसे ऐसे पलट के सारा ऐसे ऐसे पढ़ते चलो, सारा कंसेप्ट सारा फॉर्मूला सारा रिवाइज कर लो। राकेश यादव क्लास नोट से मैंने पढ़ा हुआ था, ट्रेन में यहाँ से जाते जाते 120 किलोमीटर का रास्ता था, पूरा राकेश यादव का हमने 70% रिवाइज कर लिया था ऐसे पलट पलट के।
जितना भी रिटर्न नोट्स आया उसके एक दिन पहले ऐसे प्लट प्लट के पूरा रूल्स ही रिवाइज कर लिया था मेरे दोस्त। स्किपिंग आर्ट भाई मत भूलना, एग्जाम में मत भूलना, हाथ जोड़ते हैं मत भूलना। स्किपिंग आर्ट का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि आप स्किप करो, जो जो क्वेश्चन आ रहे जल्दी जल्दी एक पहले एक घंटे में बना लो, सब निपटा दो, जितना आसान आसान क्वेश्चन है, जितना वो एक मिनट के अंदर जितना बनने वाला है, उसके बाद कॉन्फिडेंस यहाँ पर होगा। उसके बाद आप जितना रफ उतना रफ लेना, हम बहुत ज़्यादा रफ यूज करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। प्रीवियस ईयर सेट्स लगाना, आप सेट लगाना, जितना भी मेंस हो गया है 14 दिन में आराम से खत्म कर दोगे। जितना प्रीवियस ईयर है वो भी मैंने बता दिया, कैलकुलेशन जोड़ घटाओ गुणा भागा। अभी जाओ, वीडियो बंद कर रहे हैं, जा करके अभी कैलकुलेशन करो, ठीक है मेरे भाई। चलो, और कुछ छूटा है मेरे भाई? हाँ, दूसरी बात, मैं कुछ ज़रूरी बात बता दे रहा हूँ। मेरा काम है यहाँ पर आकर के आप लोगों को सजेशन देना, ठीक है ना। आप लोगों को अगर सही लग रहा है तो आप लोग फॉलो करो, नहीं सही लग रहा है कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में बोलो कि अमृत भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, तो आप लोग हमको भी सजेशन दे सकते हो। मेरा काम है सीखते रहना, मेरा काम है सिखाते रहना, और मेरा काम है अपना जो कुछ भी करना है खुशी खुशी करते रहना, समझ रहे हो। और बाकी जितने भी हमसे बड़े लोग हैं, जितने भी मेंस दे रहे हैं, जितने भी लोगों का ज़्यादा स्कोर आ रहा है मेरे भाई, अगर मैंने कुछ भी देखो थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि 180 लाया है, इतना कूद रहा है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, बुरा मत माना करो, ठीक है। आप भी अपना चैनल बनाओ, अभी ज्ञान दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बुरा लगा हो तो सॉरी।